स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 को, जो कि है द जंक सेलर। और इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। पिछले वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक था वो था हाउ मच डज केयर अर्न फ्रॉम 9 रिक्शास इन अ डे। तो ये जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। किरण हैज़ बोट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। किरण ने कुछ जंक लिया है जंक कलेक्टर से। अब जंक कलेक्टर कौन होते हैं? तो जंक कलेक्टर जो घर घर से कबाड़ा लेके जाते हैं उन्हें हम जंक कलेक्टर्स बोलते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट। जो नेक्स्ट पेज है उसको देखिए, यानी कि जिस पेज में ये टॉपिक दिया है आज का हम लोग का टॉपिक, तो उसके अगले पेज में क्या दिया है, एक रेट लिस्ट कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें उससे पता चलेगा आज का रेट। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जंक। किरण की मदद कीजिए जंक का कॉस्ट निकालने के लिए। अब आप क्या, एक क्वेश्चन है, हाउ मच टू किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। 31 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण कितने रुपए पे करेगी? तो अगर हम 31 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूज़पेपर के रेट से तो आंसर आ जाएगा। तो 31 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 5 और 5 3 15, तो आप आंसर कितना आ रहा है, 155। तो आप हम लिख लेंगे 155। अब यहाँ पे भी हमसे वही पूछा है, एक चीटी बोल दी है कि 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट है 5 rupees। तो 30 kg का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ कितना होगा, 150। तो 31 kg के लिए वो कितने रुपए पे करेगी वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 31 kg के लिए 155, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 155। क्यों 155, यहाँ पे तो 30 क्या लिखा है, तो 30 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो 31 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया है 5 का, तो पहला तो आंसर आ गया है 150। अब हमें 1 kg का क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है 1 kg का। तो 1 kg का हम अगर कॉस्ट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो अगर हम 150 में 5 को ऐड करते हैं तो 155 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब दिया है हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर, यानी कि 42 kg न्यूज़पेपर के लिए वो कितने रुपए पे करेगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 42 है। अब 42 का हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूज़पेपर के रेट से जो कि है 5। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10 का कैरी, ठीक है 10 हो जाता है 5 2 10। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे कैरी, 5 4 20 और 20 में 1 करेंगे तो 21, यानी कि 210 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे आंसर में, 210। अब यहाँ पे लिखा है also find the cost of 22 kg of plastic, 23 kg of waste paper and 12 kg of iron। तो इनका हमें कॉस्ट निकालना है। तो पहला है 22 kg of plastic, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 22 kg, तो 22 का हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लास्टिक के रेट से। तो प्लास्टिक का रेट है 10, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 कितना होता है, 0 होगा। फिर से 2 0 कितना होगा, 0। अब नीचे एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 2 कितना होगा, 1 2 2 होगा, चाहे हम 2 1 भी कर सकते हैं। फिर से 2 1 कितना होगा, 2 होगा। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे नीचे क्रॉस, यहाँ पे 0 का 0, फिर 2 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। और यहाँ पे 2 है एक और, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो कितना आंसर आ रहा है, 220। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 220। तो ये हमने कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या दिया है। दूसरा है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। अब हमें वेस्ट पेपर का निकालना है, तो हम 23 का मल्टीप्लाई कर लेंगे वेस्ट पेपर के रेट से। तो वेस्ट पेपर का रेट कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 का। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, 4 3 12 7 3 4 तो 12 का 2, यहाँ पे 1 कैरी, 4 2 8 और 1 कैरी
9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं, तो कितना आ रहा है आंसर 92। अब तीसरा है 12, ठीक है, आयरन का वेट कितना है 12 ही है, तो 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो देखिए आंसर कितना आता है, आंसर है तो 2 से कितना होता है 4 होता है, 2 1 से कितना होता है 2 1 से 2 होता है, अब नीचे क्रॉस लगाएंगे, अब 2 1 से 2 1 1 से 1, अब 4 है और नीचे क्रॉस है, तो 4 है और नीचे क्रॉस है तो यहाँ पे 4 ही होगा, 2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 और यहाँ पे 1 का 1, तो कितना आंसर आ रहा है 144, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 144, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे लिखा है कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, क्या आप इसको बिना लिखे कर सकते हो, तो आपका जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ पे वही चीटी बोल रही है जो ये बोल रही थी, तो वो चीटी बोल रही है गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, यानी कि गैस कीजिए जो टोटल मनी किरण ने जंक कलेक्टर्स को दिया था, तो इनको अभी हम ऐड करेंगे इन सबको जो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हम इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो 31 केजी का पहला है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 155, और यहाँ पे दूसरा का 210 आया था, ठीक है, तो इनको पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या आया था, फिर यहाँ पे था 220, यहाँ पे 144 और यहाँ पे 92, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ऐड कर लेते हैं, तो 54 कितना होता है 9 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, तो यहाँ पे 11 का 1, यहाँ पे 1 कैरी, 5 1 6 6 2 कितना होता है 8, और 8 और 4 कितना होता है 8, 9 10 11 12 12, और 9 कितना होता है 12 और 9 देखिए 12, और 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है 21 होता है, और यहाँ पे कैरी था 22 का यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा क्योंकि 22 था ना, इसलिए 1 2 कितना होता है 3 और 2 कितना होता है 3 और 2 होता है 5, तो यहाँ पे 3 और 2 हो गया 5 और 2 कितना होता है, तो 5 और 2 होता है 7, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, तो कितना आ रहा है आंसर 821, तो यहाँ पे पूछ रही है विल इट बी मोर देन 600 लेस देन 600, क्या वो 600 से ज़्यादा होगा या फिर 600 से कम होगा, तो 600 से ज़्यादा होता है तो हम किस पे टिक लगाएंगे मोर देन 600, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे मोर देन, ठीक है 600, मोर देन 600, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा, इसी के साथ ही जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है, थैंक यू वेरी मच।